नमस्ते, मेरा नाम है नीरज कनवीर। और मेरा नाम है कनन श्रीवास्तवा। कला मंच क्या है, एक्चुअल में कला मंच है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में आप बताइए। तो देखिए, कला मंच हमने ये टॉपिक, ये नाम ऐसे तरीके से लिया कि कला मंच एक ऐसी जगह होती है जहाँ हर कोई अपनी आर्ट, अपनी कला शोकेस करता है जी। तो ये नाम इसलिए चूज किया कि ये आर्ट, अलग अलग लोग आते हैं और कैसे वो अपने आप को बेटर पर्सन या बढ़िया इम्प्रूव करते हैं। जैसे एक लड़का आता है जो कि इंग्लिश नहीं जानता है, जिसका कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ जी। हाँ। एक है जिसको LGBTQ कम्युनिटी से है जी। और एक लड़की है जो कि डार्क स्किन है। तो कैसे ये अपने जीवन की परेशानियाँ, एक पास्ट हिस्ट्री लेके आते हैं और कैसे उस पास्ट हिस्ट्री से इवॉल्व होके वो एक आर्टिस्ट बनते हैं, कैसे एक्टर बनते हैं। और इसमें ये भी मैसेज दिया गया है कि कोई भी एक कलाकार बन सकता है, कुछ भी नहीं मैटर करता है, आप डरिए मत। ना ये मैटर करता है कि आप मोटे हैं, पतले हैं, आपके बाल गिर रहे हैं या काले हैं, गोरे हैं, तो कोई भी चीज़ मैटर नहीं करता। आप अच्छे बैकग्राउंड से हैं, नहीं है, पैसा कम है, ज़्यादा है, अगर आपके अंदर वो शिद्दत है, आपके अंदर वो जज्बा है, आप मेहनत करना चाहते हैं, तो आप एक कलाकार बन सकते हैं। आप ट्राई करते रहिए, आप कोशिश करते रहिए और अपनी क्राफ्ट को मजबूत करते रहिए। एक ना एक दिन उसमें मौका ज़रूर मिलेगा और जब मौका आएगा ना, तो आप रेडी होने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपके पास वो एक चांस आता है ना, एक मौका आता है, तो आप उसको कैसे एक अपॉर्चुनिटी को बदलते हैं सक्सेस में। ये है कला मंच। कला मंच बुक से लेके वेब सीरीज तक का सफर कैसा रहा आपका? तो कला मंच, हमने जब पहले ये टॉपिक से हमारा मतलब बातचीत होती थी, तो हम लोग इसे एक मतलब थिएटर प्ले के रूप से देखते थे जी। फिर हम लोगों ने कहा कि चलो इसे एक बुक के तरीके से लिखेंगे, हमने लिखा। और उसके बाद बुक पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें ये एक्चुअल में, मतलब हमें ये वास्तविकता में, हमें ये कैरेक्टर्स जो है, जो किरदार है, ये हमें देखना है कि ये कला मंच में कैसे रहेंगे और कैसे इनमें मतलब रिलेशनशिप डायनेमिक्स होगा। तो हमने सोचा कि इस कंसेप्ट को तो हमें एक वेब सीरीज़ में लाना पड़ेगा, ताकि हम हर एक किरदार को एक उनके लिए एक हर एक एपिसोड डेडिकेट कर सके और उनका जो भी उनका किरदार है, जो भी उनके बैगेजेस है, जो भी उनके मतलब ट्रॉमास है, वो हम एक प्रोग्रेशन से दिखा पाए। तो वो जर्नी हमें मतलब एक पर्वत चढ़ने के बराबर की थी। दो साल लग गए हमें इस जर्नी को, मतलब आसान नहीं था बिल्कुल, क्योंकि हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, हम किसी को जानते नहीं है। एक पैसे का वो होता है, एक जान पहचान का कोई चीज़ होता है कि हम किसको जानते नहीं है, हम कैसे बनाएंगे। तो एक एक चीज़ को हमें एक कैमरा पर्सन से लेके, एक DOP से लेके या डायरेक्टर, हर किसी को ढूंढना पड़ा, उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ा कि कौन बेहतर पर्सन होगा इस काम को करने के लिए। और मतलब कला मंच, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ये हमें उन लोगों तक पहुंचाना पड़ा। पहले हम लोग चाहते थे कि वही लोग इसमें शामिल हो जो इससे कनेक्ट कर पाए। तो हम लोगों ने ऐसे लोगों के साथ मिलकर बातें की, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए, क्योंकि ये सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, पर जो भी आर्ट फॉर्म कर रहा है उसके प्रति प्रयास कर रहा है, ये उससे कनेक्ट होती है कहानी। जैसा आपने कहा कि ये वेब सीरीज अब लॉन्च हो रही है, तो क्या अभी ये फाइनलाइज हो गया है कि हम किस OTT पे इसको देख पाएंगे? क्योंकि हमारे दर्शक वो भी अब परेशान हैं कि किस OTT पे आएगा, बिकॉज आज के डेट में इतने OTTs हैं और कोविड के बाद से हमने देखा है कि वेब सीरीज का बहुत अच्छा चलन है, तो ये किस OTT प्लेटफॉर्म पे आएगा? जी, OTT से बातें चल रही हैं हमारी, क्योंकि जैसा बताया गया आपको कि अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, हमारा ट्रेलर बना है और सीरीज हमारी अभी पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट हो रही है। तो जैसे ही एडिट होती है, हम और OTTs को अप्रोच करेंगे, और क्योंकि वो सारा मटेरियल, एक कंटेंट देखना चाहते हैं, उनको दिखाएंगे और जो भी हमें उसके लिए सूटेबल अच्छी जगह लगेगी जहाँ पे लोग इस तरीके की वेब सीरीज को देखना चाहते हैं, हम वहाँ पे उसको दिखाना पसंद करेंगे। और लास्ट में एक न्यू कमर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज, जो आप हमारे जितने भी न्यू कमर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उसको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आइए और फुल तैयारी के साथ आइए। मैं चाहूँगा कि वो लोग जो भी न्यू कमर्स है, खुद में झांकिए और देखिए कि क्या कमी है मुझ में एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट,
और उसकी पढ़ाई करिए और फिर अपना एक मार्ग बनाइए जिससे आप लोगों से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री में अगर आगे बढ़ना है तो हमें साथ में ही बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेला या फिर ये अकेला ये कला मंच कभी हो नहीं पाता था। हम लोग साथ मिले, इनसे हमारा ये आइडिया आया और हम लोगों ने इसको अकम्पलिश किया, आगे बढ़ा। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि न्यूकमर्स को या जो भी एक दिल में इच्छा रखता है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, डरिए मत। हम जैसे लोग भी हैं इंडस्ट्री में, हम लोग भी आए हैं और ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लंबे छोटे काले गोरे कुछ भी हो, बस ये फर्क पड़ता है कि आप नॉलेज लीजिए, जितना आप कर सकते हैं करिए और अपने अंदर विश्वास रखिए और आप जरूर आ पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। और यही हमारी बुक का और वेब सीरीज का मैसेज है कि अपने अंदर विश्वास रखो, अपने ऊपर काम करो और कोई भी चीज़ फर्क नहीं पड़ता कि कोई टैग नहीं है, कोई टैग नहीं कि यही बन सकता है, वो ही बन सकता है, या कोई बुरा है तभी बन सकता है, सुंदर है तभी बन सकता है, कोई भी एक्टर बन सकता है, कोई भी कलाकार बन सकता है। बस एक मेहनत करिए, नॉलेज गेन करिए और उस नॉलेज से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा उस चीज़ को करने का और आप आगे बढ़ेंगे जरूर। अपना एक दिन वो अपॉर्चुनिटी आप इनकैश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल टीम ऑफ कलामंच। थैंक यू सो मच।